हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज के मेरे एपिसोड में हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। ये बड़ी मटन की बड़ी टेस्टी सी डिश है। आप सब लोगों की फरमाइश थी कि मैं मटन की डिशेस बताऊं बकरीद की वजह से, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। आप सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये मैंने 1 किलो मटन लिया है और ये 4 बड़े प्याज लिए हैं। मटन को मैंने धोकर साफ़ कर लिया है और प्याज को मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि मुझे इसे कैसे कट करना है। कई लोगों की फरमाइश थी कि मैं प्याज कट करके दिखाऊं, तो मैं आज आपको कट करके दिखा रही हूँ। मैंने ये नया कटिंग बोर्ड भी लिया है, तो आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करें नए कटिंग बोर्ड के लिए और देखें कि मैं इसे कैसे बराबर स्लाइसिस करती हूँ। ये देखिए, मुझे काटने की बहुत प्रैक्टिस है इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ, जो कि मैंने आपको कभी काटते हुए दिखाया नहीं है। और ये देखिए, ये स्लाइसेस मैं गोल्डन ब्राउन करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने ये स्लाइसेस कट करके कर लिए और ये देखिए सारे स्लाइसेस एक साइज़ के हुए हैं। अगर आप इससे भी बारीक काट सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, आप इससे भी बारीक काटिए। मैंने ये साइज़ काटा है और इस साइज़ में ये बहुत अच्छे से कढ़ाई के अंदर यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं कि आगे हम कैसे पकाते हैं। पकाने के लिए मैंने ये अपनी कढ़ाई ले ली और कढ़ाई को मैंने गरम कर दिया है, आँच को तेज़ रखा है। इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले ऑयल, 1 कप ऑयल डालना है, जेनरसली ऑयल डालना है। आप चाहें तो प्योर घी में बना सकते हैं, मटन कढ़ाई प्योर घी में भी बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले इन प्याज के स्लाइसेस को डालकर गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और गोल्डन ब्राउन करने के बाद उन्हें बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए, इसे जहाँ तक हो सके लगातार चलाते हुए फ्राई करें। अभी तो लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, जब वो हल्के ब्राउन होने लगे तब उसे बिल्कुल भी अनअटेंडेड ना छोड़ें और लगातार चलाते हुए फ्राई करें। ये देखिए, जब हम चलाते हुए फ्राई करते हैं तो इसके सारे फ्लेक्स और लेयर्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए कि सारे फ्लेक्स और लेयर्स बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई करना है, लेकिन जब लाइट गोल्डन फ्राई करने के बाद इन्हें हम बाहर निकालते हैं तो ठंडा होने तक वो अच्छे ब्राउन हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमें ऐसा ही करना था और हमने इन्हें निकाल लिया। ऐसे निकाल लेंगे और इसे प्लेट के ऊपर फैला देंगे, इससे ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इनका ज़्यादा ब्राउन होने का प्रोसेस रुक जाएगा। बहुत ज़्यादा काली प्याज से गोश्त का कलर काला हो जाता है। अब ये देखिए, हम इसी पैन के अंदर सेम तेल में ये बनाएंगे कढ़ाई, और उसके लिए मैंने 2 तेज़पत्ते को तेल में डाल दिया है। ये 1-2.5 इंच की मैंने ये ली है दालचीनी, और उसे तोड़कर छोटे पीसेस करेंगे। 1 बड़ी इलायची है, इसका दबा के मुंह खोल देंगे। ये 7-8 छोटी इलायचियाँ हैं, इनका मुंह भी दबाकर खोल देंगे और इन्हें भी इसके अंदर डाल देंगे फ्राई होने के लिए। यहाँ पर आँच को मैंने मीडियम कर दिया है क्योंकि मेरा ऑयल बहुत तेज़ गर्म था। अब ये देखिए, दालचीनी के मैंने पीसेस कर दिए। इतनी बड़ी दालचीनी का अच्छा टेस्ट, पूरा फ्लेवर निकल के नहीं आता है। इसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं तो पूरा फ्लेवर आता है। तो ये भी मैंने डाल दी और अब इन्हें हल्का फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे। अब ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इन्हें फ्राई होने में 1 मिनट लगा है और अब मैं यहाँ पर इसके अंदर धुला हुआ गोश्त, साफ़ किया हुआ गोश्त इसके अंदर डाल दूँगी। पीसेस मैंने मीडियम साइज़ कराए हैं, बहुत छोटे पीस नहीं कराए हैं, बहुत छोटे पीस आप भी ना कराएं। गोश्त को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। आँच को अब मैंने तेज़ कर दिया है क्योंकि गोश्त डालने के टाइम पर आँच को तेज़ रखना चाहिए। यहाँ पर मैं तुरंत इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक हसबे जायका डालना है, मीन्स स्वादानुसार डालना है। तो मैंने कुछ 1/4 चम्मच नमक डाला है और 1/2 चाय के चम्मच हल्दी डाली है। आप अगर हल्दी नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डालें, उससे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे, अलट पलट करके चारों तरफ से हल्दी और नमक के साथ में 2-3 मिनट तक इस गोश्त को पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये 2.5 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1/2 चम्मच अदरक का पाउडर। आप चाहें तो अदरक पेस्ट डाल सकते हैं। अदरक पेस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो डालें आप 1 टेबल स्पून, जो कि मैंने 1/2 चम्मच यूज़ किया है। पाउडर मैंने 1/2 चम्मच यूज़ किया है, लेकिन अगर आप अदरक का पेस्ट यूज़ करें तो 1.5 चम्मच यूज़ करें, मतलब 1 टेबल स्पून यूज़ करें।
और अब इस लहसुन और अदरक के साथ में मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी और थोड़ी सी गोल्डन प्याज मैं इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगी, मींस एक टेबल स्पून भर के, और अब इसे चलाऊंगी। अब इसे ढककर मैं 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। 2-3 मिनट तक इतनी चीज़ों के साथ में पकाने के बाद मैं बाकी के मसाले इसके अंदर ऐड करूंगी, जो कि पाउडर फॉर्म में है, बाकी के पाउडर मसाले। आप चाहें तो उन मसालों को खड़ा लेकर बारीक पीस सकते हैं, मैंने पाउडर लिया है। तो आप देखिएगा, मैंने इसे ढक दिया, 2-3 मिनट तक ऐसे ही ढक कर पकाएंगे। उससे क्या होता है, मटन के सारे जूसेस उसके अंदर इंटैक्ट हो जाते हैं और उससे मटन का टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। ये 2-3 मिनट तक पक गया है, अब मैं इसके अंदर बाकी के मसाले इसे थोड़ा मिक्स करूँगी, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। मटन कढ़ाई को बनाकर नान और पुलाव और पराठों के साथ बहुत मज़े से इंजॉय किया जा सकता है। यहाँ पर मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच होममेड गरम मसाला पाउडर। होममेड गरम मसाले से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 कप पानी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इन मसालों के साथ में इस गोश्त को भूनूँगी। मसालों का भून जाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। गोश्त को बाद में गलाएंगे, मसाले और गोश्त को साथ में पकते हुए मसालों को पहले भून लेंगे। ये चीज़ अब ध्यान रखने की चीज़ है। कई बार क्वेश्चन कोई पूछ सकता है मुझसे कि मसाले क्यों पहले भून लिए जबकि गोश्त गला नहीं था, लेकिन मसाले पहले भून जाना चाहिए। अब मसाले भून चुके हैं और मैंने इसके अंदर डाल दिया 1/2 गिलास पानी, 1/2 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि अब इस पानी में ही इस मटन को पकते हुए गलना है और इसे करीब 50 मिनट तक पकना है स्लो आंच पर। मैंने इसे ढक दिया है, 1 मिनट के बाद गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसे 20 मिनट तक पकाऊंगी ढककर स्लो आंच पर। अब ये देखिए, स्लो आंच पर पकते हुए इसे 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त थोड़ा सा नरम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर ये ब्राउन की हुई प्याज जो हमने पहले ब्राउन करके निकाल ली थी उसे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे हथेलियों के बीच में डालकर क्रश कर सकते हैं, नहीं तो इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस गोश्त को अभी 30-40 मिनट तक और पकना है, तो उतना टाइम इस प्याज को गल जाने के लिए सफिशिएंट है। इसलिए मैंने उस प्याज को ऐसे ही डाल दिया है बिना क्रश किए हुए। अब मैंने इसे फिर से ढक दिया है और अब मैं इसे 30-40 मिनट तक पकाऊंगी। गोश्त की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी देर पकाते हैं और वो कितनी देर में गलता है। ये देखिए, इस गोश्त को पकते हुए करीब 50-55 मिनट हो चुके हैं और ये गोश्त अब गल चुका है। मैंने इसे पानी में डालकर चेक किया है और देखिए, ये हड्डी ने भी गोश्त को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इससे समझ में आएगा आपको कि ये गोश्त गल चुका है। तो आपने देखा कि इतना सब कुछ मैंने डाल दिया, मसाले भून गए, गोश्त गल गया। अब यहाँ पर मैं डालूँगी ये कसूरी मेथी। मैंने 2 चाय का चम्मच कसूरी मेथी इसके अंदर डाल दी है। अब इसे चलाऊँगी और अब मैं इसके अंदर ये एक प्याली दही, घर की जमाई हुई दही है ये डाल दी, इसे मिलाऊंगी। देखिए, दही को मैंने गोश्त गलने के बाद डाला है, इसलिए क्योंकि दही डालने से गोश्त का गलने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। और ये आ गई मलाई, मैंने 1 प्याला मलाई भी डाल दी इसके अंदर और अब इसे भी चला दूंगी, मैं मिला दूंगी अच्छी तरीके से। अब ये दही और मलाई और कसूरी मेथी, ये 3 चीज़ें मैंने अभी डाली हैं, तो उससे फिर बहुत अच्छा ये हो जाएगा। इसके अंदर डालूंगी साथ ही में ये कुछ हरी मिर्चियाँ बीच से स्लेट की हुई और धनिया, बारीक कटी हुई धनिया डालूंगी मैं। आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं। मैंने पुदीना मिला नहीं तो मैंने नहीं डाला है, आप धनिया डालें, मैंने भी धनिया डाला है। अब मैं इसे ढक दूंगी और फिर से इसे 20 मिनट तक स्लो कुक करूंगी। और ये मेरा 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं स्लो कुक होते हुए। अब मैं इसे ढक्कन खुला रख के 5 मिनट तक पकाऊंगी, तो उससे इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल थिकनेस बराबर हो जाएगी। थोड़ा पतला दिख रहा था तो मैंने इसे 10 मिनट तक खुला रख के पकाया है और ये बहुत अच्छा थिक ग्रेवी हो गई है। इसे मैंने सजा दिया है अनियन रिंग से, हरी मिर्ची से, और इसके अंदर मैं लेमन वेजेस भी
लगाऊंगी। तो आप इस देखिए, मैंने लेमन वेजेस लगा दिए और बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी मटन कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। तो आप भी बनाइए और अगर हो सके तो मेरे पेज पर पोस्ट कीजिए फोटोज़ क्लिक करके। वीडियो मेरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।